समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि डॉक्टर लोहिया जी एक महान समाजवादी चिंतक थे और बताया कि पार्टी की नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लोहिया के सिद्धांत और नीतियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सभी साथियों से अनुरोध किया गया कि उनके पद चिन्हों पर चलकर प्रेरणा ली जाए। इस दिन उनके स्मरणों नीतियों तथा विचारों पर चर्चा करने का विशेष अवसर मिलता है। साथ ही शहीद भगत सिंह जी को भी याद किया गया। अपने देश प्रेम और बलिदान से अरुणा के युग युगांतर गाथा लिखने वाले महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के शहीदी दिवस पर आत्मिक नमन किया गया। विचार गोष्ठी में मौजूद राजकुमार प्रजापति, आमिर कुरैशी, वेद प्रकाश सैनी, प्रेम बाबू वाल्मीकि, हसनैन अख्तर, अफरोज वारसी, अलका दुबे, रत्ना सैनी, नाग भारती, हसीन जमाल, दुर्गा शर्मा, हिरोशिमा गुप्ता, संजीव चौधरी, वीके सैनी, असलम चौधरी, जिगरी मलिक, नाजिर खान, अक्षय भटनागर, गजन चौधरी, जोगिंदर सिंह, हिमांशु सैनी, जय कुमार प्रजापति, गजेंद्र सिंह यादव, मशहूर खान, वीर सिंह यादव, कुलवंत सिंह, विनोद कुमार, जावेद अंसारी, सरवर मिर्जा, राजेंद्र सिंह, दीपक सैनी, नेत्रमान सिंह, लुकमान खान, आरिफ अब्बासी, मोहसिन खान, महेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी आज लोहिया जी की जयंती मनाई है और कार्यकर्ताओं ने ये प्रण दिया है कि समाजवादी पार्टी जैसे लोहिया जी के आदम चलती है उसी बहादुर के साथ लोहिया जी के आदम को पाते हुए समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता आगे बढ़ता रहेगा और पार्टी को एमएलसी चुनाव करीब है, क्या तैयारी है? यूपी में अच्छा वर्चस्व नहीं रहा, कैसे रहा समाजवादी पार्टी? आप उससे मुरादाबाद की बात करें, ये मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी में इतना वोट मिला है कि जितनी शहरी पार्टियों को वोट मिला उससे दोगुना वोट समाजवादी पार्टी मुरादाबाद को, मुरादाबाद जनता जनता दिया है। मुरादाबाद की जनता, कार्यकर्ता और मुरादाबाद के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। एमएलसी चुनाव करीब है, कैसी तैयारी है अध्यक्ष जी? मुरादाबाद की तैयारी पहले भी बेहतर थी, अब भी बेहतर रहेगी। एमएलसी में भी मुरादाबाद से चुनाव जीतेंगे।